कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, वमन युअज्जिम शाइर अल्लाह, और जो अल्लाह की निशानियों की इज्जत करेगा, फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, अल्लाह फरमाता है बस बेशक वही लोग हैं जो तकवे वाले हैं, असल परहेजगार हैं, दिल के परहेजगार हैं। शाइर अल्लाह क्या है? शाइर अल्लाह क्या है और इनकी ताजीम का अजर क्या है? मिन मुस्तफा करीम दे गुलाम, रब्बे जुल जलाल ने सारी कायनात को तखलीक किया, सारी कायनात को मेरे रब ने बनाया और सारी कायनात को बनाने के बाद मेरे रब ने अपनी जात को मख्फी रखा, अपनी जात को मख्फी रखा, अपनी जात को छुपा लिया। और अपनी जात को छुपाने के बाद मेरे रब ने कुछ निशानियां अपनी छोड़ दी। फरमाया जो इन निशानियों की इज्जत करेगा, इनकी तौकीर और ताजीम करेगा, फरमाया वो मेरा भी महबूब होगा, मेरे हबीब का भी महबूब होगा। अल्लाह अकबर, अदब क्या है याद रखे मेरे दोस्तों, अदब सबसे पहली मंजिल है। रूहानियत की सबसे पहली मंजिल क्या है? अदब, हया। इसलिए हुजूर ने फरमाया अल हया मिन अल ईमान, हया ईमान से है। और एक फरमान हुजूर का ये फरमाया इदा फातकल हया विदा माशेता, फरमाया अगर तेरे अंदर से हया खत्म हो गई तो फिर जो चाहे करता रहे, यानी उससे ला ताल्लुकी का इजहार फरमा दिया। तो बुजुर्ग फरमाते हैं अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। शैतान ने बड़ी इबादत की, कौन नहीं जानता शैतान को, बड़ी इबादत की, करोड़ों साल रब को सजदे किए, अल्लाह की तस्बीहात की, रब की बंदगी की। मुफस्सिरीन ने कहा लिखते हैं आसमान का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां उसने सजदा ना किया हो, बड़ी इबादत की। हर आसमान पर उसके नाम मुख्तलिफ है और बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों को पढ़ाने वाला था, बड़ा अल्लाह ने मर्तबा अता किया। ईमान से बताना, इतनी इबादत करने के बावजूद सिर्फ अदब ना किया, क्या ना किया? अदब ना किया। अल्लाह ने उसकी सारी इबादतें, सारे मुजाहदात, सारी रियाजतें रद्दी की टोकरी में डाल दी। फखरुज इन्नका मिन सागिरीन, बदबख्त निकल जा हमारी बारगाह से, तेरा यहां कोई हिस्सा नहीं है।
इतनी इबादत करने के बावजूद धिक्कार दिया गया। क्या नहीं किया जी उसने? बस अदब नहीं किया। इमाम सादी फरमाते हैं तकब्बुर बवद आदते जाहिला, तकब्बुर नया यद जे साहिब दिला, तकब्बुर अजाजील रा खार कर, बजिंदान लानत गिरफ्तार कर। तर्जमा भी सुना मामा, फारसी पढ़िए थोड़े सामने। अरे फारसी दान सारे बैठे हो, बोलो तो ये सुभान अल्लाह। फरमाते तकब्बुर बवद आदते जाहिला, शैतान ने तकब्बुर किया था ना। इमाम सादी फरमाते हैं तकब्बुर बवद आदते जाहिला, फरमाते हैं वो झलिया वो तकब्बुर करना भी कोई गल है? एते जेड़े जाहिल लोग ने, जेड़े बेदीन लोग ने, उन्हां दा काम है जेड़े दीन वाले हुंदे ने ओह तां झुक जांदे ने। मैं जेड़े दीन वाले ने ओह तां सादत बंद हुंदे ने। तकब्बुर बवद आदते जाहिला, एते जाहिल बदबख्त लोगों की आदत है। तकब्बुर नया यद जि साहिब दिला, फरमाया जेड़े नेक ने, जेड़े सादतमंद ने, जेड़े बादब ने, उन्हां नूं तकब्बुर नहीं होंदा। की कहंदे ने सियाणे लोकी, बादब बामुराद, बादब बामुराद। फिर फरमांदे ने तकब्बुर अजाजील रा खार कर, अजाजील शैतान का नाम है। आसमान के दा नाम की सी अजाजील, क्या लगे तकब्बुरी सी ना, जिन्ने शैतान नु राह रास्त तो भटका दिता। बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर, कयामत तक लानत दा तो गलती उन्हें पा लिया। और जिन्ने जिन्ने तकब्बुर किया वो दुनिया ते ही जलील होया, अगे तो नहीं है। इस वास्ते दोस्तों अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीने में। अल्लाह अकबर कबीरा, आए ते गल याद आ गई पीरे बाहू दी, सुनावा। पीरे बाहू फरमांदे ने चूते आगी जे मरे ना गोवे, ए जूते आगी जे मरे ना गोवे, ते बाग फकीरा और ये बटे रोड़े, ओ जे कोई मारे ओ बटे रोड़े, ते यार दे बारों ए सही ए गुजे कोई सुते कुकड़ कूड़ा, वाग रूड़ी दे और ये गुचे कोई ते दे, आए आए जे कोई ते दे एकाव लेते ला में ते जी जी उसनु एक ये कादर दे कादर दे हथ डो रे गए बागू जिवे रखे ओ वे ओ रही
गवाए, जिन्हें अदब कर ले, चाहे मां बाप का अदब किया है, उस्तादा का अदब किया है, बुजुर्गों का अदब किया है, खुदा की कसम मैं वेख्या है दुनिया ते अल्लाह ने रंग ला दिते ने, अगे ते रंग लगने लगने ने, दुनिया ते ही अल्लाह ने इज्जत दे ताज उन्हां दे सर ते पहना दिते ने, जिन्हां ने अदब किते ने, जिन्हां ने मुहब्बत कीतियां ने, जिन्हां ने ताजीम कीती है, अल्लाह ताला ने दुनिया ते ही उन्हां नूं मुकाम मर्तबा अता फरमाया।